Hello dear students and my dear friends, welcome back once again. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी और कुछ मेल मुझे रिसीव्स हुए, मैंने पढ़ा, मुझे खुशी हुआ आप जॉब पाए और आपने जो लिखा मैं उसे बयां नहीं कर सकता, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, और स्पेशली मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप देश के किसी भी कोने में रहें, आप पढ़ते रहिए और अच्छी जॉब करिए अच्छी सैलरी के साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपकी फैमिली और आप हमेशा खुश रहें. मेरी विशेष आपके साथ हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतर बना सकूं. आज हम जो चर्चा करेंगे, जैसे काफ़ी लोग का मेल आया मेरे पास, लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर रेडिएशंस के ऊपर हम लोग ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये आज जो टॉपिक हमारा है ये जो लर्नर हैं उनके लिए भी और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है. आप इस चीज़ को समझें और देखें. तो आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशंस एंड हैजर्ड्स. आपको मालूम होगा रेडिएशन जिसे हम कहते हैं विकिरण, और रेडिएशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू अल्फा बीटा एंड गामा रेज. तो ये कैसे नुकसान करता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, आज इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन हैजर्ड्स एट वर्क प्लेस. आप कार्यस्थल पे जहाँ भी काम करते हैं रेडिएशन आपको कैसे प्रभावित करता है और आप उससे कैसे बचते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ रेडिएशन एंड हैजर्ड एट वर्क प्लेस. रेडिएशन और खतरा, ये हैजर्ड जो है, जोखिम जो है, वर्क प्लेस क्या संबंध है इसका, मतलब क्या है. कई तरह से रिलेशनशिप भी पूछा जाता है संबंध के बारे में. अब यह क्या रेडिएशन क्या है, मैं कुछ नहीं, आई डोंट नो रेडिएशन, मुझे नहीं मालूम. क्या आपको मालूम है, डू यू नो रेडिएशन, कैन यू एक्सप्लेन. तो तमाम तरह के क्वेश्चंस आते हैं रेडिएशन. आपकी पूरी टॉपिक, आपकी जितनी भी आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है वो सब रेडिएशन के ऊपर है और उसके साथ हैजर्ड को हमने कनेक्ट किया हुआ है. तो आज हम देखते हैं, तो रेडिएशन के बारे में जब आता है तो सबसे जनरल वे में मैं अगर हम ये जाने, रेडिएशन हैजर्ड्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन डैमेज लिविंग टिश्यू, टिश्यूज जो लिविंग टिश्यू जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवित उत्तक, इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने का कार्य रेडिएशन करता है. इट स्ट्रिप्स अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स, ब्रेक सम केमिकल बॉन्ड्स. जब एटम्स टूटता है, उसके केमिकल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, तो वहाँ पे एक रिएक्शंस होता है जिसे एक प्रतिक्रिया होती है और कुछ न कुछ एनर्जी जो है वो वहाँ से निकलती है, और वो एनर्जी जो होती है काफ़ी हार्मफुल होती है, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन, सब आदमी के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं, जितने एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए वो काफ़ी नुकसानदायक होती है. और उसे हम लोग दूसरे भाषा में अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस रेडिएशन. जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा, तो ये सब क्या है, ये सब आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन. रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज ए टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं विकिरण. ठीक है, विकिरण. ठीक है, एक रेज एक जगह से, जैसे हवा जाती है ना, कि आप हवा अगर कहीं मूव कर रही है तो यहाँ से वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस वो जाएगी, तो रेडिएशंस भी इसी हवा को अपना माध्यम बना करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है और अपना काम करती है, उसका नेचर. सेकेंड पॉइंट हम बात करें, व्हाट इज डेंजर ऑफ रेडिएशन, ये कैसे, क्या खतरा है रेडिएशंस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाउ फॉर सम नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव रेडिएशन, इवन ए स्मॉल डोज, यदि वह थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में एंटर किया या हमारी बॉडी में के संपर्क में आया तो स्मॉल डोज में, तो क्या होता है, कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स. तो उसका कारण बन सकता है, किस चीज़ का कारण बनता है, कैंसर का कारण बन सकता है.
ठीक है। तो अगर थोड़ी मात्रा में गया तो ये धीरे 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 हमारे बॉडीज को क्या करेगा, हमारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो ये रेडिएशन का प्रभाव होता है। अब आते हैं फास्ट मूविंग फोटॉन्स, जब इनकी गति तेज हो जाती है तो वहां पे अब ये क्या होता है, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, ये तीन चीजें हैं। फोटॉन से हमेशा गामा रेज निकलती है, इलेक्ट्रॉन से हमेशा बीटा रेज होता है, और हीलियम न्यूक्लियस से जो होता है उससे होता है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण हमारे प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। कैन क्रेश इनटू द अर्दन मॉलिक्यूल्स एंड चेंज देयर स्ट्रक्चर्स, जब ये क्रैश होते हैं, जब टूटते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके कण जो है टूटते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर से या वहाँ से जो अब बोलते हैं ना एक रिएक्शंस हो रहा है, एक प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो रिएक्शंस के रूप में हमें गामा रेज, बीटा रेज एंड अल्फा, ये सारी चीज़ें मिलती है, तीन चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो रेडिएशन का मतलब आप और उसके खतरे के बारे में समझ पाए होंगे। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रेडिएशन का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, जो नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे उसका इफेक्ट आज भी है। आज भी वहाँ के लोग जो हैं, जो पैदा होते हैं, उनकी जेनेटिक्स जो है उनमें देखिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहते, कुछ न कुछ होता, आज तक वो नहीं सुधरा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो आप अगर ऑयल एंड गैस फील्ड में हैं तो जितने भी सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और जो आपको बताया जाता है, प्लीज उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक भूल, आपकी एक चूक, अगर आपने एक मिस्टेक किया तो हो सकता है कि पूरी लाइफ वो बर्बाद कर दे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और स्वयं खुद के लिए, क्योंकि आपका इंतजार कोई ना कोई कर रहा है। तो प्लीज आप कभी भी इसे टेम्पर ना होइए, आपको जो बताया जाता है वहां जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे लापरवाही करना हमें अपनी जिंदगी से खेलना होता है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि काफी पेनफुल होता है, हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे देखे घटनाएं जो हम लोग बयान नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ होती है। और बट इतना जानिए कि जो रेडियो एक्टिव हैजर्ड्स हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारी लाइफ पूरी इफेक्टेड हो जाती है। तो आज हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव हैजर्ड्स के बारे में। सच कॉन्टेमिनेशंस प्रेजेंट ए हैजर्ड्स बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता है आप प्रदूषित, संदूषित, प्रदूषण, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो प्रदूषित क्या होता है, दूसरे शब्दों में आप इन्फेक्टेड भी बोल सकते हो, इन्फेक्टेड भी बोल, जैसे कि किसी कोई व्यक्ति है अगर किसी रेज से वो अफेक्टेड हुआ, अल्फा से हुआ, बीटा से हुआ, गामा से हुआ, अगर उसका, तो आप बोल सकते हो कि क्या हुआ, ये कॉन्टामिनेंट्स हुआ है, ये प्रदूषित हुआ है बॉडी, इनके टिश्यूज उसके प्रभाव में आ गए हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कॉन्टामिनेंट्स। अलग अलग सेंस होता है, एग्जैक्ट हम केवल यही नहीं हो सकता, अलग अलग सेंस होता है अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग जगह के लिए, जो आप ड्यूरिंग द वर्क आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो विच एमिट हार्मफुल आयोनाइजेशन रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज और न्यूट्रॉन्स। कॉन्टामिनेशन में भी अफेक्ट ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट सच एज क्लॉथिंग, ये हमें किस तरह से प्रभावित कर सकता है, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, एनिमल पशु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, तो इनके द्वारा भी ये सारी चीजें एक जगह से दूसरे जगह तक मूव होती हैं, पहुंचती हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाई इज रेडिएशन हार्मफुल ऑफ टू ह्यूमेन, रेडिएशन मनुष्य के लिए नुकसानदायक क्यों है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है आपका, आयोनाइजिंग रेडिएशन हैपन व्हेन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम डीके एंड स्टार्ट रिलीजिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल्स व्हेन दीज पार्टिकल्स कम इन टू कॉन्टेक्ट विद ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ह्यूमन टिश्यूज
they will damage them if levels are high enough in a short period of time. ठीक है, रेडिएशन जो है कम समय से और लंबे समय तक दोनों हमारे बॉडी को प्रभावित करता है. और यहाँ पे प्रमुख बात आप ये ध्यान रखिए, ये हमारे लिविंग टिश्यूज जो होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और वही हमारे कैंसर के कारण बनते हैं एंड सो मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों के कारण भी बनते हैं. तो उम्मीद है कि आप रेडिएशन के बारे में समझ पाए होंगे. आज हम रेडिएशंस के बारे में मैं एक बात एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में मैं आपको ये बता सकता हूँ. अगर आपसे कोई पूछता है टोटल, तो आप बोलेंगे रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन एक तरह की विकिरण प्रतिक्रिया है. ठीक है, एक तरह का रेडिएशन इज ए टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस है किससे, फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, एग्जाम्पल में आप यूरोनियम, थोरियम, बहुत सारी चीज़ों का नाम दे सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता क्या है, क्या करता है, आपसे दूसरा क्वेश्चन था कैसे नुकसान पहुंचाएगा, क्यों हमारे लिए हार्मफुल है. तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनसे जब इलेक्ट्रॉन का विघटन होता है, जब इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, तो उनसे तीन चीज़ें निकलती हैं जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं. अल्फा, बीटा, गामा रेज जो होते हैं वो हमारे टिश्यूज के लिए हार्मफुल होते हैं अगर एक लिमिट से ज़्यादा हुआ तो, और जिसका कारण होता है कि कैंसर से लेकर के तमाम तरह की परेशानियां, जेनेटिक्स प्रॉब्लम से लेकर के बॉडी कॉन्टेमिनेशन से लेकर के बहुत सारी परेशानियां का सामना हमें पूरी लाइफ में करना होता है. और ये वहीं होता है जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं. जैसे आप ऑयल एंड गैस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ रेडिएशन की आप ज़्यादा होता है. केमिकल्स में काम कर रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो कुछ सबस्टांस होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं. तो ये सीधा और सॉफ्ट एंड स्वीट आंसर्स हुआ रेडिएशन. उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे. यह बस एक अवेयर करने के लिए मैंने आपको वीडियो दिया. रेडिएशन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, जो मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा. और यदि आप कहीं भी हैं, देश विदेश के किसी भी कोने में आप हैं, वहाँ से बैठ करके आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही आपके करियर को आगे ले जाती है. यदि बेहतर जानकारी आपकी है, बेहतर नॉलेज है, तो बेहतर जॉब भी होगा, बेहतर पैसे भी मिलेंगे. ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं आपके लिए, आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं. यदि आपके पास केवल स्मार्टफोन है तो उससे आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, किसी भी गाँव से रह कर, किसी भी देश से रह करके, किसी भी जगह से रह करके. और यदि आप इन कोर्सों के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बेस्ट ऑफर के बारे में, डिस्काउंट्स वगैरह के, जो कुछ भी आपको जानना है, तो आपको एक बार www.sst4u.in पे आप विज़िट करिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी. और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप इनरोलमेंट करा करके आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. तब तक के लिए मैं बोलूँगा शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.